मैं आप लोगों का एक बार फिर से स्वागत करता हूं और आगे की यात्रा शुरू करते हैं सो so, आगे का श्लोक है कृष्ण कह रहे हैं आगे कि हे अर्जुन उपयुक्त संन्यास और कर्मयोग को उपयुक्त संन्यास और कर्म योग को मूर्ख लोग पृथक पृथक फल देने वाला कहते हैं ना कि पंडित जन क्योंकि दोनों में से एक में भी सम्यक प्रकार से स्थित पुरुष दोनों के फल स्वरूप परमात्मा को प्राप्त होता है कमाल श्लोक एक बार फिर सुन लेना उपयुक्त सन्यास और कर्म योग को मूर्ख लोग पृथक पृथक फल देने वाला कहते हैं ना कि पंडित जन क्योंकि दोनों में से एक में भी सम्यक प्रकार से स्थित पुरुष दोनों के फल स्वरूप परमात्मा को प्राप्त होता है ज्ञान योगियों द्वारा जो परमधाम प्राप्त किया जाता है कर्मयोगियों द्वारा भी वही प्राप्त किया जाता है इसलिए जो पुरुष ज्ञान योग और कर्मयोग को फल रूप में एक देखता है वही यथार्थ देखता है इसलिए जो पुरुष ज्ञान योग और कर्म योग को फल रूप में एक देखता है वही यथार्थ देखता है अब थोड़ा सा इस श्लोक को समझें। कृष्ण ने इसके एक श्लोक पहले कहा कि अर्जुन कर्म योग और कर्म संन्यास दोनों परम कल्याण कारक है ना लेकिन कर्म योग करने में सुगम होने से श्रेष्ठ है अभी उस बात को एक ही श्लोक बिता है और कृष्ण अपनी ही बात को काट रहे हैं अब कृष्ण कह रहे हैं कि अर्जुन सच तो यह है कि कर्म योग और कर्म संन्यास को जो लोग यह कहते हैं कि पृथक पृथक फल देने वाला है या दोनों में कोई फर्क है वो मूर्ख है स्पष्ट भाषा में अर्जुन से कह दिया कि तेरा जो सवाल था ना वो महामूर्खतापूर्ण था क्योंकि इन दोनों को अलग अलग मूर्ख लोग कहते हैं इन दोनों को अलग अलग मूर्ख लोग कहते हैं ज्ञानी नहीं कृष्ण भी क्या करें कृष्ण जानते हैं कि अर्जुन को कोई मतलब ज्ञान से नहीं है उसका रस युद्ध के मैदान से भागने में है अतः कृष्ण जानते हैं कि वे एक ऐसी पिच पर बैटिंग कर रहे हैं जहां लंबी पारी खेलनी पड़ेगी है ना और ये आप भी समझ लेना अगर आप किसी से बातचीत कर रहे हैं उसको आपकी बात सुनने में रस नहीं है या वो तय करके बैठा है कि उसे क्या करना है है ना फिर भी मजबूरी में पूछ रहा है या राय मांग ली आपसे दबता है तो सोचता है कि आपकी सहमति से ये कार्य कर लिया जाए और जब आप कहते हैं तो ये बड़ी श्रेष्ठ साइकोलॉजी समझ लेना अगर किसी ने तय किया हुआ है और फिर भी आपसे पूछ रहा है या आप समझाना चाहते हैं तो कभी भी उसकी बात सीधे मत काट देना क्योंकि जैसे ही आप उसकी बात सीधे काटेंगे वो कहेगा ठीक है जाओ मेरे को चर्चा ही नहीं करनी है ना तो कृष्णा भी जानते हैं कि उसने सवाल पूछा अगर उसी समय कह दिया कि ये सवाल मूर्खतापूर्ण है तो बोलेगा ठीक है मैं मूर्ख सही मेरे को ना सवाल पूछना ना आपका जवाब सुनना मैं तो भागूं फिर है ना मुझे भगाओ तो बातचीत की डोर ना टूट जाए है ना संवाद खत्म न हो जाए डे टू डे लाइफ में ध्यान रखना अगर आप कोई ऐसे व्यक्ति को समझाना चाह रहे हैं जिसने तय किया हुआ है है ना अगर किसी लड़की ने तय किया हुआ है कि मैं उसी लड़के से शादी करूंगी और आप सीधे कुछ कह देते तो वो विद्रोह उतर आती थोड़ा समझना इस बात को बड़े ध्यान से समझना आपको उस समय समझ लेना चाहिए कि आपको एक ऐसी पिच पर बैटिंग करना है जहां बार बार बॉले प्लेट भी करनी पड़ेगी है ना वेल लेफ्ट भी करनी पड़ेगी और देख के चलना पड़ेगा और एकदम टाइम से सिक्स मारना पड़ेगा अस्थावक्र लाओस से को मजबूरी नहीं थी तो अस्थावक्र हर बॉल पे सिक्स मारते हैं जनक की थका करके क्योंकि जनक कुछ तय करके नहीं बैठा है जनक बिल्कुल पक्का जिज्ञासु है और उसे सिर्फ ज्ञान चाहिए या अर्जुन को ज्ञान नहीं चाहिए कोई ऐसी चीज हो जाए कहीं से कृष्ण राजी हो जाए या किसी सवाल में उलझ जाए या खुद कहे कि अर्जुन तेरी बात में दम है या मैं भी कंफ्यूज हो गया चल छोड़ नहीं करते युद्ध या मत कर युद्ध सो कृष्ण जानते हैं और बात सीधे काट दिया आप भी देखना तो सामने आ तो इंजारी कर रहा है ठीक है फिर जाओ कई लोग कह देते मैं कह रहा हूं कर नहीं तो नहीं तो क्या अब नहीं तो क्या है <laughs> नहीं तो कुछ नहीं इसलिए समझ लेना कि अगर आप वाकई किसी को मनवाना चाहते भले आपकी बात लाख सही लेकिन सामने वाले ने जो तय किया है उसे बड़ी टैक्टफुली निकालना पड़ता है कई बार आपको कहना पड़ता है, हाँ जा, जा जा तो जैसे ही आप कहते जा वो कह रहा बाप इतनी आसानी से राजी हो गया मैं सोचता हूं जरा गौर करना आप बड़ा टैक्टफुली है मनुष्य का व्यवहार इतना कमाल का है उसके मन बुद्धि अहंकार जाने तो कैसे हैं कि उससे निपटना ही मुश्किल है आप गौर करना आप भी रोज रोज इन समस्याओं का सामना करते हैं लेकिन समस्या निपटा नहीं पाते क्योंकि साइकोलॉजी का ज्ञान है और गीता की खूबी ही यह है कि कृष्ण डे टू डे साइकोलॉजी से लेकर जीवन की अंतिम साइकोलॉजी तक आते और जाते कि वे एक ऐसी पिच पे बैटिंग कर रहे हैं जिसे डे टू डे कहते और हमें भी ध्यान रखना पड़ता हर बात पे हो हो नहीं कर सकते मेरी बात क्यों नहीं मानता है मैंने कह दिया तो क्या जरा ध्यान रखना आप भी आप भी कोशिश करना बड़ी टैक्टफुली मनुष्य को टैकल करना पड़ता है अष्टावक्र हर बॉल पे छक्का मारते और लाओस जो के सूत्र पढ़ेंगे तो उनका तो छक्कों में भी विश्वास नहीं है सीधे अट्ठा दस बारवा मारते वो हर बॉल पे क्योंकि सामने कोई पूछने वाला नहीं है खुद ने लिख दिया तो उनको देखना नहीं है कि किसको कितना करंट लगेगा लगने दो कृष्ण को बड़े संभल के चलना पड़ रहा है कृष्ण so कह रहे हैं कि वो मूर्ख हैं जो कह रहे हैं कि कर्म संन्यास और कर्म योग अलग अलग फल देने वाले हैं किसी भी एक में स्थित बड़े ध्यान से समझना किसी भी एक में स्थित उन दोनों के फल रूप परमात्मा को पा लेता है पाता भी क्या है सीधे कृष्ण ये नहीं कहने को खुशी पा लेता है ये पा ले अरे वो तो छोटी मोटी बात है सफलता पा लेता है अरे वो तो उसके लिए चुटकी का काम है दोनों में से किसी भी एक में अच्छी तरह से स्थित तुरंत परमात्मा पा लेता है तुरंत तो ये कर्म योग क्या है इतनी बार मैंने कहा है इतनी बार कृष्ण ने कहा है मैं पूछूंगा नहीं कर्मयोग का अर्थ है बगर फल की कामना के कर्म करना बड़े ध्यान से समझना अगर एक लाइन में संपूर्ण कर्मयोग समझना चाहते तो बगर फल की कामना के कर्म करने को कर्म योग कहते हैं और आपके जीवन में से फल हट जाए उसी क्षण आप परमात्मा है उसी क्षण दूसरे क्षण की जरूरत नहीं है और गलती से कोई कार्य आप बिना फल की कामना के कर लेते तो उतने क्षण के लिए आप प्रति भर परमात्मा से कम नहीं होते और बच्चों को परमात्मा का स्वरूप क्यों कहते क्योंकि उनके किसी कर्म में आपको फल अव्वल तो नजर ही नहीं आएगा और आएगा तो भी बड़ा मामूली छोटा मोटा छोटा मोटा बस इसलिए उन्हें परमात्मा स्वरूप कहते हैं कर्म संन्यास किसको कहते कर्म संन्यास का अर्थ है कर्तापन का अभाव मैं करता हूं जो कृष्ण कह रहे हैं ना कि संपूर्ण कर्म सब प्रकार से प्रकृति के गुणों द्वारा किए जाते हैं। यहां पर हर कोई अपनी साइकोलॉजी से बाध्य है फिर भी वो ये मानता और सोचता और समझता है कि मैं करता हूं वो कर नहीं सकता तो करता पन हट जाए तो कर्म संन्यास है दोनों में से एक पूर्णता अगर आपने अपना लिया तो इसी क्षण आप परमात्मा हैं रत्ती भर किसी बात की कमी नहीं बचेगी लेकिन समाज शास्त्रों परिवार ज्ञान ने ऐसा मायाजाल फैला दिया कि कर्तापन और फल की कामना यही दोनों मजबूत किए आज के बाद आप गौर करना यह भी बड़े आश्चर्य की बात है आप धर्म को समझते ही इतना है कि फल की कामना फल की इच्छा आपकी आकांक्षाएं पूरी करने वाली जो दुकान है वो धर्म है इतना ही आप धर्म को समझते यानी धर्म की शुरुआती फल से होती परमात्मा तो शुरू होते ही गायब हो जाता और धर्म की दूसरी शुरुआत कर्तापन से होती तुम पूजा करो मैं कर सकता ये कमाल हो गया मैं कर सकता ये कमाल हो गया और सिखाते ये ये करो ये मत करो अरे मैं कर ही नहीं सकता मैं करने वाला कौन तो बड़े ध्यान से समझना अज्ञान की तो इंतहा है मनुष्य जीवन में फल और कर्तापन कृष्ण so कह रहे हैं कि मूर्ख लोग मूर्ख लोग कर्म संन्यास और कर्म योग को अलग अलग समझते हैं दोनों में से एक में सम्यक रूप से स्थित मनुष्य उसके फल रूप परमात्मा को तुरंत पा लेता है अभी तू युद्ध के मैदान में है तू करतापन हटा दे तू ये माने ही मत कि मैं कर रहा हूं अगर मैं कर रहा हूं तो तुझे पता लगाना है कि शास्त्रों में क्या लिखा है जब मैं करी नहीं रहा जब मैं करी नहीं रहा तो मुझे शास्त्र में क्या लिखा है पढ़ने की जरूरत क्या है जब मैं करी नहीं रहा तो मुझे यह सोचने की जरूरत क्या है कि कौन जीतेगा और कौन हारेगा जरा समझना अगर कर्तापन हट गया तो तेरे लिए युद्ध करने के अलावा कोई उपाय नहीं बचेगा उसी तरह अगर तुमने फल की आशा हटा दी तो फिर नहीं पूछेगा कि युद्ध करने से स्वर्ग मिलेगा या भागने से स्वर्ग मिलेगा तू यह नहीं पूछेगा कि कौन जीतेगा कौन हारेगा वो तेरा सब्जेक्ट नहीं है तू जो भागना चाहता है वो भी तू भागना चाहता है तू जो भागना चाहता है वो भी तू भागना चाहता है करतापने तू जो भागना चाहता है वो मौत से बचना चाहता है फल की आशा है तू जो समझता कि मैं मारूंगा मैं मरूंगा ये कर्तापन है तू जो डर रहा है ये फल की आशा है मारे डर के युद्ध के मैदान से भागना चाहता है तो अर्जुन मुझे सवालों में मत उलझा ये मत कहे कि कर्म योग श्रेष्ठ है कि कर्म संन्यास अरे दोनों एक ही है आप बताएं आपको फल की आशा नहीं तो कर्तापन पैदा हो सकता भीतर जरा सोचना जब मुझे कुछ चाहिए ही नहीं तो करने वाला मैं नहीं हो सकता फिर है ना जब मुझे कुछ चाहिए नहीं तो करने वाला सिर्फ परमात्मा हो सकता है उस हाल में मैं अपना पर्सनल कर्तापन नहीं रख सकता यानी की बात एक ही है चाहे कर्तापन हटा दो चाहे फल की आशा हटा दो, दोनों अपने आप हो जाएगा दोनों की जुगलबंदी है दोनों एक साथ है यह नहीं है यह जो कहते ये संन्यास है ये संसार है ऐसा नहीं है दोनों एक ही है परमात्मा का अर्थ ही इतना है कि भीतर संन्यास है कोई चीज मुझे प्रभावित नहीं करती और बाहर संसार है कोई चीज ऐसी नहीं जो मेरी नहीं और मेरे लिए नहीं सीधी सीधी बात समझे आप धर्म बड़ा सीधा है बड़ा आसान है लेकिन फिर भी मिलता नहीं आप अपने को भी गीता के गुणों से तोलें और किसी की भी धार्मिकता तोलनी है तो गीता के गुणों से तोलें आप काफ़ी सुखी रहेंगे कभी गलत फहमी नहीं होगी धार्मिकता और अधार्मिकता में कृष्णा मन और जीवन के मास्टर कृष्णा एक प्रेमी एक कलाकार एक गुरु एक राजनेता एक व्यवसायी कृष्णा शून्य से सृजन करने का एक श्रेष्ठ उदाहरण कृष्णा जो कठिनतम परिस्थितियों में भी हंसते हुए जीने की कला सिखाते हैं कृष्णा जिन्होंने जीवन का हर युद्ध जीता द्वारा लिखित किताब मैं कृष्ण हूँ ये किताब कृष्ण के संपूर्ण जीवन पर रिसर्च करने के बाद कुछ इस साइकोलॉजिकल अंदाज में सिलसिलेवार रूप से लिखी गई है कि जिसे पढ़ते पढ़ते आपका जीवन भी बदलता चला जाएगा मैं कृष्ण हूँ ये किताब अंग्रेजी हिंदी मराठी तथा गुजराती में एक साथ आत्मन ई -e साथ ही सभी प्रमुख ई कॉमर्स साइट आरोप भी उपलब्ध है So, जो कृष्ण कह रहे हैं आप मेहरबानी करके देखें फल की आशा छोड़ें और कर्तापन छोड़ें अगर मन में नहीं है और आप कुछ करते हैं तो कर्तापन आता है जो मन में है अगर आप वो करते हैं तो कर्तापन नहीं आएगा अगर पूर्णता से करते हैं तो आधे अधूरे में आएगा जो मन में है अगर पूर्णता से करेंगे तो करतापन नहीं आएगा जो मन में है पूर्णता से करेंगे तो फल की आशा नहीं आएगी क्योंकि पूर्णता से करने में जो आनंद है वही आपका फल है और इससे ऊपर के किसी फल की किसी मनुष्य को आशा रखनी नहीं है तो करने में आनंद है कर्म में आनंद है तो बात समाप्त हो गई तो आगे कृष्ण कह रहे हैं कि ज्ञान योगियों द्वारा जो परम धाम प्राप्त किया जाता है कर्मयोगियों द्वारा भी वही प्राप्त किया जाता है कोई फर्क नहीं है यह नहीं है कि यह ज्ञानी है तो इसको जरा ऊंचा परमात्मा मिला परमात्मा ऊंचा और नीचा नहीं होता यह कर्मयोगी है इसे छोटा परमात्मा मिला तो कृष्ण कह रहे हैं कि बात एक ही है कहने के तरीके भिन्न भिन्न है अगर आप इम्प्लीमेंट करेंगे तो भीतर रत्ती पर फर्क नहीं पाएंगे चाहे कर्म योग हो चाहे कर्म संन्यास हो चाहे भक्ति हो सब कहने के लिए अलग अलग है लेकिन जिसे ज्ञान है जिसे अनुभव है जो उसमें जरा सा भी जीता या जी चुका या जी रहा है उसे मालूम है कि सब एक ही है इतना भी फर्क नहीं है इसलिए जो पुरुष ज्ञान योग और कर्मयोग को फल रूप में एक देखता है वही यथार्थ देखता है वही सत्य देखता है आगे कृष्ण कह रहे हैं कि हे है अर्जुन कर्म योग के बिना सन्यास अर्थात मन इंद्रिय और शरीर द्वारा होने वाले संपूर्ण कर्मों में कर्तापन का त्याग प्राप्त होना कठिन है और भगवत स्वरूप मनन करने वाले कर्मयोगी पर ब्रह्म परमात्मा को शीघ्र ही प्राप्त हो जाता है एक बार फिर कृष्ण वहीं के वहीं आ गए कृष्ण कह रहे हैं कि सुन बात तो एक ही है चाहे फल की कामना छोड़े चाहे कर्तापन छोड़े लेकिन कृष्ण जानते हैं कि कर्तापन कॉम्प्लिकेटेड है अर्जुन को लाख बोलूंगा कि तू करता नहीं है सब कुछ परमात्मा है जरा बात अर्जुन की समझ में कम आएगी और हो भी सकता है अर्जुन ऐसा बोले कि जब सब कुछ परमात्मा है मैं परमात्मा हूं तो मेरा परमात्मा कह रहा है उससे भाग जाओ है ना अर्जुन कुछ भी कमाल कर सकता है सो कृष्ण कह रहे हैं कि सुन कर्म योग आसान है और योग के बगैर कर्म संन्यास प्राप्त करना मुश्किल है यानी कि फल की आशा त्यागे बगैर कर्तापन का जाना मुश्किल है बस और ये बात भी डे टू डे लाइफ में सही है बड़ा मुश्किल हो जाता जब कहते कर्तापन हटाओ मैं करता नहीं हूं तो पहला सवाल पूछते फिर कौन करता है समझाते भी कि आप देख रहे हैं कि आपको दिख रहा है आप देखने की कोशिश कर रहे हैं कि आपको दिख रहा है समझ में नहीं आई बात आप सांस ले रहे हैं कि सांस परमात्मा ले रहा है और परमात्मा ही छोड़ रहा है जरा ध्यान देना आप करता नहीं है समझने में मुश्किल जाती लेकिन इतना कह दे कि फल त्याग दो बड़ा आसान है और जब फल की आशा नहीं तो कर्तापन का सवाल नहीं की सारी जड़ फल में छिपी है, मे की सारी जड़ करतापन में छिपी है, मैं कुछ कर सकता बस इसी भ्रम से पूरे शास्त्र भरे पड़े हैं और इसीलिए वो कहते कि पाप मत करो मतलब आप कर सकते कैसी अज्ञान पूर्ण बातें कर रहे हैं पुण्य करो अरे भाई कर सकते कमाल कर दिया कर्तापन मजबूत करते और आपको गलत फहमी होती हम सफल हो सकते हम ऐसा कर सकते आप नहीं कर सकते आप नहीं कर सकते आप पूरा बने बनाया खेल बिगाड़ सकते बिगाड़ते चले जा सकते इसलिए दो ऑप्शन है उसमें जो कृष्ण कह रहे हैं वो बात बड़ी सीधी है कि फल की आशा छोड़ने से कर्तापन चला जाएगा लेकिन कर्तापन सीधे छोड़ने की बात समझ में आना जरा मुश्किल है आगे कृष्ण कह रहे हैं अर्जुन जिसका मन अपने वश में है जो जितेंद्रिय एवं विशुद्ध अंतकरण वाला है और संपूर्ण प्राणियों का आत्मरूप रूप परमात्मा है जिसका आत्मा है ऐसा कर्मयोगी कर्म करता हुआ भी लिप्त नहीं होता ब्यूटीफुल जिसका मन अपने वश में है अर्थात जो स्वाधीन अंतकरण वाला है हमारे अंतकरण पे आप कभी गौर नहीं करते अंतकरण आपका आत्मा आपकी और आपका कंट्रोल उस पर कितना है इतना भी नहीं है कोई कहने वाला चाहिए कि अंगूठी चमत्कार कर देगी बस फिर पूछते बाबा अरे भाई दो और लगेगी दो और आ गई लो फिर अरे दूसरा हाथ खाली है ना बाबा दस की दस उंगली खत्म हो गई तो जा कोशिश कर मैं क्या करूं है ना बाबा बोलो कोई गुरु दे हम विचलित हो जाते हैं करण वश में नहीं है कोई डरा दे हम डर जाते ये क्या पाप कर दिया चलो धोने की दुकान धो देते हम मुझे आश्चर्य होता है मनुष्य इतना डरा हुआ लोभी है कि वो देखता नहीं कि ये जो अंगूठी दे रहा है उसकी हैसियत क्या है हाथ दिखाते सौ रुपए में अब ये कला सौ रुपए की अगर वाकई कोई देख सकता है हाथ में कुछ लिखा होता तो बुद्धि नहीं लगाते हम कुछ भी आश्वासन दे दे और वो भी देखते आदमी कैसा है पैसा डरा के मिलेगा कि आश्वासन से मिलेगा कभी कभी डरा देते कभी आश्वासन दे देते और फिर आश्चर्य होता सभी मेघ राशि के लोगों के लिए आज पत्नी से झगड़ा लिखा हुआ है अब मेघ राशि कितनी बड़ी हो गई संतान सुख लिखा हुआ है अरे एक साथ इतनी संतान होगी महाराज गड़बड़ हो जाएगी ने? एक राशि यानी कितने हुए पचास सौ करोड़ लोग होते होंगे पचास करोड़ तो होते होंगे मुझे तो कितनी राशि ये भी नहीं मालूम लेकिन राशि शब्द सुन रखा है तो इस राशि को संतान सुख प्राप्त होने की उम्मीद है अब एक साथ पचास करोड़ को संतान कभी हुई है बस कुछ भी बोल दिया चलती है दुकानें इतने कमजोर हो चुके हैं जिसकी कोई लिमिट नहीं है जब भी टीवी खोलो कोई ना कोई आश्वासनों की दुकानें चलती रहती पानी पूरी भी खाने को के देते और उनको भी एक करोड़ रुपए रोज का चंदा आता हमारे दिवालियापन पन की कोई लिमिट ही नहीं है कोई आश्वासन देने वाला चाहिए या कोई डराने वाला चाहिए वो हम पे शासन करता है अंतकरण वर्ष में नहीं हमारा रत्ती भर वर्ष में नहीं है कोई भड़काने वाला चाहिए कोई आपकी बात के खिलाफ बोलने वाला चाहिए हमारे पास अपना कुछ भी नहीं है कोई व्यक्ति जरा गौर करना हम मनुष्य हैं हमारे भीतर हमारी आत्मा है उसकी चलती कहाँ है सब आसपास वालों की चल रही है और धुम धड़ा कैसे चल रही है और सुख पूरा का पूरा आत्मा में है सफलता पूरी की पूरी आत्मा में है लेकिन आत्मा तो हमारे वश में ही नहीं है आत्मा तो हमारे वश में ही नहीं है तो कृष्ण कह रहे हैं कि जिसका मन अपने वश में है अरे सामने वाले की औकात क्या है यह नहीं हो सकता कि कोई आपसे लगातार अच्छा व्यवहार करे 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 और आपके निकट आ जाए लेकिन यहां तो ऐसा हो जाता कोई आपसे खराब व्यवहार करे 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 ऐसा आप सोचे और आपसे दूर हो जाता ऐसा नहीं होता मेरे रिश्ते मैं तय करूंगा आपको जो व्यवहार करना है करो मेरा भगवान बोलेगा तो अपने आप रिश्ता आपसे कमजोर होगा भगवान नहीं बोलेगा आप हजार गुना कर लो हजार गुना कर लो मेरा आज तक कभी किसी से कोई रिश्ता भीतर से बिगड़ा ही नहीं क्योंकि कितनी कोशिश कर लेता वो क्या कोशिश कर लेगा वो दो चार चीटिंग करेगा क्या करेगा कितनी गड़बड़ करेगा क्या गड़बड़ कर लेगा तो तू मेरा शासक हो गया कि तुम्हारे व्यवहार से मैं इफेक्ट हो जाऊंगा अरे एंट्री एग्जिट मेरे हाथ में है ऐसे ही समझ लेना भगवान के हाथ में एंट्री एग्जिट है ऐसा नहीं है चार सोमवार कर लिए तो एंट्री हो जाएगी है वो सब देखता है सब समझता है वो इतने सस्ते में पटाई में आने वाला नहीं है और ये मत समझना जो उसको नहीं मानते उनको ठीक करेगा उनको पूरा ठीक किया उन्हीं सबको महान और सफल बनाया है जितने महान और सफल हैं एटी परसेंट लोग नास्तिक हैं। नास्तिकता का अर्थ ही ये है कि मैं अपने पे भरोसा करता तेरे पे भरोसा करता जमाने पे भरोसा नहीं करता है ना और आपके सारी मान्यताएं, सारे पूजा पाठ सारी तावीज़ जमाने में आ गई उसका परमात्मा से या आपसे कुछ लेना देना नहीं है रत्ती भर नहीं है फिर भी इसी गलत थेमी में, में जीते और कितनी दुकानें चलती कितनी जमीनें चली गई कितना सोना चला गया कितना चला गया कोई हिसाब नहीं है थोड़ा सा जागने की जरूरत है थोड़ा सा समझने की जरूरत है क्योंकि बड़ा कष्ट पा रहा है मनुष्य कहां कहां उम्मीद लगाए बैठा है जहां कुछ है ही नहीं और लूटे जा रहे हैं और लूटे जा रहे हैं और लूटे जा रहे हैं लेकिन अंतकरण वश में ही नहीं है सो मैं भी आपसे कहता हूं किसी ने कोई व्यवहार करा आपके खिलाफ बोला इसलिए वो खराब हो गया तो आपका अंतकरण वश में नहीं अभी किसी ने अच्छा करा आपका खास हो गया हाथों हाथ यही तो होता फिर धोखे होते जो अच्छा कर रहा है वो मौके की तलाश में है कि कब आप उस पर विश्वास शुरू करें और कब वो विश्वासघात करे सो किसी ने क्या करा वो नहीं है ये एक जादू है आपके भीतर वो जादू है जिसको किसी ज्ञान की जरूरत नहीं है मैं आपको सफलता का महानतम किमिया देता हूं सफल लोग क्यों हैं वो क्या जादू करते हैं उनका अंतकरण वश में है उनके अंतकरण से उनका कम्युनिकेशन है उनके अंतकरण का परमात्मा से कम्युनिकेशन है बस एक ही तो क्वालिटी है बाकी कोई क्वालिटी नहीं चाहिए न होती है उनमें हम क्या करते इतनी बड़ी प्रोजेक्ट रिपोर्ट बनाने में टाइम पढ़ने में टाइम समझने में मीटिंग अरे इतने सब की जरूरत नहीं है प्रोजेक्ट का नाम बोलो चार लाइन में प्रोजेक्ट समझाओ मैंने अंदर डाल दिया और छोड़ दो आप अंदर से आएगा दो रोज पांच रोज सात रोज में कि डालना है नहीं डालना है डालना है तो कारण नहीं नहीं डालना है तो कारण नहीं लेकिन अंदर से जो आया वो परमात्मा का ठप्पा लग गया बस किसी भी बात में किसी भी जगह किसी भी चीज में याद आठ दे रहा हूं आपको किसी चीज पे भरोसा मत करो कोई डॉक्टर कह दे हार्ट अटैक आ गया सुन लो अंदर जाने दो अंदर से एक सेकंड में आवाज जाएगी कुछ नहीं हुआ गैस हो गई है अंदर सब मालूम है अंदर महान ज्ञाता है वो ही मालिक है आपका भी और जगत का भी हम बाहर से ढूंढते बाहर के लॉजिक लाते बाहर से ज्ञान लेते सब दो कौड़ी का है ये आपको बहुत बड़ा किम्या दे रहा हूं कुछ भी हो जाए अंत कारण वर्ष में रखो वो बोलेगा कारण नहीं पूछूंगा वो बोले हाँ तो हाँ, ना तो ना कारण बुद्धिमान नहीं हूं भैया है ना मैं गधा हूं इसीलिए अल्लाह मेहरबान है।, है ना समझ लेना सारे बुद्धिमान किसी ना किसी रूप में चौपाटी पे भेल बेचते और सारे गधे अल्लाह की मेहरबानी से महान हो गए इसलिए बुद्धि मत लगाओ कुछ भी हो अंदर भेज दो वो सब जानता है कोई लाख के दे इसने ऐसा कहा था आप सुनते पुरानी खुन्नस निकालते झगड़ा कर लेते दुर्भावना करते उसने ऐसा कहा था कि नहीं पहले तो मालूम होना चाहिए कि वो ऐसा कह सकता है कि नहीं और नहीं तो अंदर भेज दो अंदर से आ जाएगा नहीं कहा था झूठ बोल रहा है सब मालूम है अंदर कोई भी चीज हो दिमाग लगाओ मत अंदर भेज दो आपके अंदर भेज दो जादू है और इंतजार करो आएगा जवाब आएगा जवाब लेकिन आप कोशिश करते समझने की आ, क्या समझ लोगे सांस लेते तो आती नहीं है वो भी परमात्मा ऑक्सीजन देता और कार्बन डाइऑक्साइड निकालता ये जितने ज्ञानी है ना जो ये करेंगे वो करेंगे ये करो वो करो उनको बोलो वो सब हम समझे महाराज आप एक काम करो छाट छाट के ऑक्सीजन लो हवा में से कोशिश करो हमको तो खूब कहते ये कोशिश करो ये तपस्या करो ये उपवास करो ये कष्ट पाओ वो कष्ट पाओ अरे सब ऑटोमेटिक है सब ऑटोमेटिक है गड़बड़ वही है जहां आप कोशिश कर रहे हैं सो so, भीतर अंतकरण आपका अपने वश में होना चाहिए और दूसरों से रिश्ता भी उनके अंतकरण का होना चाहिए हम क्या करते हम स्टेटस देखते हम धन देखते हम गुण नहीं देखते गुण अंतकरण के हैं यहां पर मनुष्यों के संबंध मनुष्यों से गुणों के नहीं है संबंध किस चीज के हैं इससे फायदा लगता है ये मेरी बात सुनता है है ना ये मेरी इज्जत करता है ये बड़ा है ये धनवान है बस ये कोई रिश्तों का क्राइटेरिया नहीं है फिर आप फंसेंगे गुण गुण गून और गुणों का तो जिसका अंतकरण वश में है और जिसका दूसरों से उनके अंतकरण का रिश्ता है बस वो आदमी सुखी और सफल होता चला जाता तो कृष्ण कह रहे हैं कि जिसका मन अपने वश में है और अर्जुन तेरा मन तो रत्ती नहीं है तुमने वहां सेना देखी कौरवों की और मेरे को शास्त्रों की दुहाई दे रहा है वेदों की दुहाई दे रहा है, कि उसमें, ये लिखा है। उसमें ऐसा लिखा है तेरा अपने पे वश क्यों नहीं है तू अपने अंतर आत्मा से क्यों नहीं पूछता है कि युद्ध करना योग्य या अयोग्य शास्त्र डिसाइड कैसे करेंगे कोई दूसरा कैसे कह देगा परमात्मा आपके लिए आपके अंत को कहेगा किसी दूसरे से नहीं कहेगा जो दूसरे लिख के चले जाते कृष्ण कह रहे हैं कि जिसका मन अपने वश में है लेकिन अर्जुन तेरा तो मन वश में ही नहीं तुमने जीवन भर कौरवों से द्वेष किया लेकिन कर्मयोगी किसी से द्वेष नहीं करता तुमने जीवन भर राज्य की आकांक्षा की कर्मयोगी राज्य की आकांक्षा भी नहीं करता तू शुरू से गलत है आज भी गलत है क्योंकि बाहरी प्रभाव कौरवों की सेना देखकर तू तो डर गया है तेरा अंतकरण वश में कहा है बिल्कुल भी वश में नहीं है तेरा अपने पे कोई कंट्रोल ही नहीं है इसलिए ऐसी बेकी-बेकी बातें कर रहा है लेकिन जो जितेंद्रिय है जिसे रत्ती भर राग व देश नहीं होते और जो विशुद्ध अंतकरण वाला है जिसके भीतर एक भी विचार नहीं है एक भी मान्यता नहीं है जिसने कुछ तय किया हुआ ही नहीं है परमात्मा भेजेगा वो करता चला जाऊंगा अगले क्षण में क्या करूंगा मुझे नहीं मालूम कृष्ण वचन देते वो भी एक पल का किस्सा है ये भी एक पल का किस्सा है कल तुमसे जुदा हो जाएगा जो आज तुम्हारा हिस्सा है एक बार फिर साहिदुधिया साहब तो जरा इस बात को समझो कि जब वचन दिया था वो भी एक पल का किस्सा था जब वचन टूट गया वो भी एक पल का किस्सा था दो पल को कनेक्ट करने की कोशिश मत करो दो पलों को कनेक्ट करने की कोशिश ही मत करो उसने बोला दे दे वचन कुछ नहीं जा रहा है दे दिया उसने बोला तोड़ने तो मर जाएंगे तोड़ दिया बात खत्म मैं कौन तय करने वाला मेरी जीत नहीं मेरा अहंकार नहीं मैं तय करने वाला नहीं लाभ हानि गिनने वाला नहीं मुझे कुछ फर्क नहीं पड़ता है कृष्ण कह रहे हैं कि जिसका अंतकरण विशुद्ध है, एकदम ब्लैंक है शून्य है जिसके भीतर परमात्मा ही परमात्मा बैठा हुआ है जो न कुछ तय कर रहा न कुछ कर रहा वो भेजता होता भेजता होता जिसके लिए जीवन एक खेल हो गया है संसार कटपुतलियों का रंगमंच हो गया है सारा खेल परमात्मा का हो गया है उसी को हम कहते हैं जो अपना खेल खेलने में लगा है वो सन्यासी नहीं है Hi, मेरा नाम शील कुमार अवस्थी है और मैं बैंक में काम करता हूं एज अ सीनियर मैनेजर अ इंजीनियरिंग स्टूडेंट मेरा नाम जयराम प्रसाद है मैं सेल्फ एम्प्लॉयड हूं। मैंने इनकी बुक पढ़ी आई एम द माइंड

है, मैं मन हर को पढ़ना चाहिए ये जिंदगी को आसान बनाने का सरलतम तरीका है अगर ये कृष्ण कह रहे हैं आगे कि संपूर्ण प्राणियों का आत्मरूप परमात्मा ही जिसका आत्मा है संपूर्ण प्राणियों का आत्मरूप परमात्मा ही जिसका आत्मा है यानी कि जो अकेले जीवित नहीं है जो सर्व के साथ जीवित है उसे मेरे और दूसरे में भेद नहीं है कृष्ण को अपने और दूसरे में भेद नहीं है कृष्ण को यह नहीं है कि मैं कृष्ण हूं ये सुदामा है रत्ती भर नहीं है कृष्ण को ऐसा नहीं है कि जरासंघ ने मेरे को मानने की इतनी कोशिश करी इतना दौड़ाया मेरा पूरा जीवन संकट उसे भर दिया तो मेरा दुश्मन है यह तय करने वाला जरासंघ कौन है कृष्ण ने कभी जरासंघ से दुश्मनी नहीं पाली अरे हाथ लग गया था मार सकते थे कृष्ण ने नहीं मारा कि मेरा दुश्मन मेरा दुश्मन नहीं है मैं भी आपसे कहता हूं मेरा दुश्मन मेरा दुश्मन नहीं है मेरा दुश्मन वो है जो सर्व का दुश्मन है मेरा दोस्त वो है जो सर्व का दोस्त है आप मेरे साथ क्या करते उससे आप कभी भी मेरे प्रिय नहीं हो सकते आप 24 घंटे मेरी सेवा करके मुझे इतना नहीं हिला सकते अरे हजारों का बिगाड़ के मेरा कर रहे हो किसी काम के नहीं हो आप हजारों का करके मेरा बिगाड़ोगे चल जाएगा वो मुझे मंजूर है तो मेरे साथ क्या करते कृष्ण कह रहे हैं जिसका आत्मा सबके आत्मा रूप परमात्मा है ब्यूटीफुल लेकिन अर्जुन तू तो अपनी आत्मा की चिंता कर रहा है तू अपने मरने की चिंता कर रहा है तू कोई कौरवों की युधिष्ठिर की भीम की अपने बच्चों तक की चिंता नहीं कर रहा है और कह रहा है मैं तो युद्ध के मैदान से भाग जाऊंगा अरे तू भागेगा कितनी बार मैं समझाता हूं अगर अर्जुन युद्ध के मैदान से भागा तो शाम तक न युधिष्ठिर बचेगा न भीम बचेगा न उसके पांचों पुत्र बचेंगे न उसका भाई बचेगा जिनको अर्जुन जिसको अपने भाइयों की चिंता नहीं है वो कृष्ण को भ्रमित करने की कोशिश कर रहा है कि मुझे कौरवों की चिंता है अरे अपनी चिंता में मरा जा रहा है तो जिसका आत्मा सर्व है सब एक जैसे हैं, सब में वो ही है मैं भेद कैसे करूं सब में वही है मैं भेद कैसे करूं सब कुछ वो ही है मैं भेद कैसे करूं कैसे कह दूं कि ये पुण्य है ये पाप है कैसे कह दू समझना इस बात को जब डॉक्टर हरिवंश राय बच्चन कहते कि मैं कैसे यकीन करूं तुम्हारी बातों का कि ये पाप ये पुण्य है क्योंकि मैंने अपने जीवन में कभी नहीं देखा मैंने अपने जीवन में कभी नहीं देखा कि किसी मंदिर पर हीरो की वर्षा हुई और कभी नहीं देखा कि किसी मंदिरालय पर बिजली गिरी देखा कभी मैं कैसे यकीन कर लू तुम्हारी बातों का कि ये पाप है ये पुण्य है मैंने कभी नहीं देखा मैंने किसी धरती कम में नहीं देखा कि चार बिल्डिंगें टूट गई मस्जिद बच गई मैं कैसे यकीन कर लू तुम्हारी बात का अरे वो तय करेगा क्या पाप क्या पुण्य क्या अच्छा क्या बुरा तुम तय करते चले जा रहे और हमको भ्रमित कर रहे खुद महत्व पा रहे बिन कमाए कर रहे हैं पाप पुण्य पाप पुण्य बता बता के मोच कर रहे हैं दस से बीस करोड़ लोग बहुत बड़ी बात है हट्टे कट्टे जवान अरे खेती करवाए तो प्याज का भाव दस रुपए किलो हो जाए हम चक्कर में पड़ जाते उनके सो कृष्ण कह रहे हैं कि सबका आत्मारूप परमात्मा ही जिसका आत्मा है जिसमें स्वार्थ नहीं है किसी से द्वेष नहीं है जो सबसे उतना ही प्यार करता जितना स्वयं से करता क्योंकि वो जानता कि वो कोई अलग से नहीं आया है सभी वहीं से आए हैं और सभी हंस सकते सभी गा सकते सभी नाच सकते ऐसा नहीं है मैं हंसूंगा तो ही मजा आएगा जरा गौर करना खुद खाने में कई बार कम मजा आता बांटने में ज्यादा मजा आता खिलाने में ज्यादा मजा आता कई महिलाएं होती खिलाने में मजा आता तो खाने का ही मजा है ये मान के जो जी रहा है उसे अभी पता नहीं है कि खिलाने में कितना मजा है जो अपने लिए सब कुछ कर रहा है उसे अभी मालूम नहीं है कि जगत के लिए करने में क्या मजा है तो कृष्ण कह रहे हैं कि तुझे सिर्फ तेरी पड़ी है जबकि कर्म योगी ऐसा नहीं होता वो सबकी चिंता करता है और सबको बराबरी पे समझता है अब यह श्लोक एक बार फिर आप सुन लीजिए कृष्ण कह रहे हैं कि जिसका मन अपने वश में है जो जितेंद्रिय एवं विशुद्ध अंतकरण वाला है विशुद्ध यानी मेरा कोई विश्वास नहीं कोई विचार नहीं कोई तमन्ना नहीं कोई राग नहीं कोई द्वेष नहीं कोई जीत नहीं मुझे कुछ मालूम ही नहीं उतना ही मालूम जितना तू कहे उतना ही करूँगा जितना तू कहे न उसका परिणाम देखूँगा न उसके फल की चिंता करूँगा क्योंकि ये सब मेरा सब्जेक्ट नहीं मेरी बुद्धि इतनी तू पूरा ब्रह्मांड चलाता मैं तेरे सामने सरेंडर तो जिसका अंतकरण विशुद्ध है और संपूर्ण प्राणियों का आत्म रूप परमात्मा है जिसका आत्मा है रत्ती भर किसी मनुष्य में किसी बात के लिए कोई भेद नहीं है ऐसा कर्म योगी कर्म करता हुआ भी लिप्त नहीं होता लेकिन जो कोई हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई है ब्राह्मण और शूद्र है, है ना वो कभी यह नहीं कह सकता कि सबका परमात्मा रूप आत्मा मेरा आत्मा है तुम तो आत्मा डिवाइड 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 और डिवाइड कर करके जी रहे हो परमात्मा से कुछ लेना देना नहीं है इसलिए मैं बार बार कहता हूं कोई गलत मत पालना अगर कोई हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई है अभी उसमें धर्म का इतना भी छींटा नहीं आया है उसे मालूम ही नहीं है कि परमात्मा क्या बात है परमात्मा की लीला क्या है वो कितना विशाल और महान है और जो कोई भी संत कितनी बड़ी बातें करे कितना ही दावा करे आप कुछ भी मान रहे हो अगर धर्म विशेष का संत है उसमें रत्ती भर धर्म नहीं है हम इंसान होते पहली सीढ़ी परमात्मा होते दूसरी सीढ़ी तीसरा कोई भेद कभी मनुष्य में किया नहीं जा सकता तो सबका आत्मा रूप परमात्मा आप कोशिश करें मैं पूरी कोशिश करता हूं सब जगह से छुड़वाने की और उससे कांटेक्ट करवाने की टेलीफोन नंबर भी देता हूं सिम कार्ड भी देता हूं और मोबाइल भी देता हूं एक फोन दबाना है कांटेक्ट हो जाएगा है ना लेकिन तरह तरह की कंपनियों के सिम कार्ड यूज कर करके आप भ्रमित हो चुके हैं आगे कृष्ण कह रहे हैं कि अर्जुन सुन तत्व को जानने वाला सांख्य योगी तो तत्व को जानने वाला सांख्य योगी तो देखता हुआ सुनता हुआ स्पर्श करता हुआ सुखता हुआ भोजन करता हुआ गमन करता हुआ सोता हुआ श्वास लेता हुआ बोलता हुआ त्यागता हुआ ग्रहण करता हुआ तथा आंखों को खोलता और मुंहता हुआ भी सब इंद्रियां अपने अपने अर्थों में बरत रही है इस प्रकार समझकर निसंदेह ऐसा माने कि मैं कुछ भी नहीं करता हूं कमाल कर दिया कृष्ण ने सदियों से सदियों से एक ही बात जरा सोचना वाकई जरा सोचने वाली बात है और हर एक को इस पर सोचना चाहिए कि क्या हमें धर्म की ए बी सी डी भी मालूम है नहीं मालूम है अगर मालूम होती तो यह हाल ना होता सो so, कृष्ण वाकई बड़ी करुणा से भरे हैं ये शब्द फूटना अपने आप में बता रहा है कि भीतर इस समय वे कितना दर्द महसूस कर रहे हैं सो so, वे कह रहे हैं कि तू कर्म योग न कर्म संन्यास न शास्त्र और युद्ध में क्या मिलेगा और पाप पुण्य स्वर्ग की बातें कर रहा है युद्ध करना पाप है और ये सब बातें कर रहा है युगों से मनुष्य यही बातें कर रहा है और ऐसे ही सवाल पूछता है और ऐसे ही ज्ञान दिए जा रहे हैं कि धार्मिक आदमी क्या करता है ना धार्मिक आदमी क्या करता तो फिर वो कहते रोजे रखता नमाज पढ़ता या जो जिसकी मर्जी आती या झूठ नहीं बोलता लोगों का भला करता सहानुभूति रखता जिसकी जो मर्जी आती यही सवाल पूछते और यही जवाब दिए जा रहे हैं अब ये साइकोलॉजिकल अज्ञान की हाइट हो गई सो कृष्ण कह रहे हैं उस बात को एक बार फिर सुन लेना एक बार फिर समझ लेना मेहरबानी करके आपके हाथ में गीता है मैं कह रहा हूं पूरी पूरी तरह से दिल लगा के अच्छी भाषा में समझाने की कोशिश कर रहा हूं बात बड़ी सीधी और साफ है यह इतना महत्वपूर्ण श्लोक है एक बार फिर सुन लेना कृष्ण कह रहे हैं कि तत्व को जानने वाला सांख्य योगी यानी परमात्मा को जानने वाला परमात्मा में जीने वाला सांख्य योगी यानी जो स्वयं परमात्मा है वो देखता हुआ सुनता हुआ स्पर्श करता हुआ सुनता हुआ भोजन करता हुआ गमन करता हुआ सोता हुआ श्वास लेता हुआ बोलता हुआ त्यागता हुआ ग्रहण करता हुआ तथा आंखों को खोलता और मुनता हुआ भी सब इंद्रिया अपने अपने अर्थों में बरत रही है इस प्रकार समझकर निसंदेह इस प्रकार समझकर निसंदेह ऐसा माने कि मैं कुछ भी नहीं करता हूं मेरे करने का प्रश्न नहीं है मुझे करने की ऑथोरिटी ही नहीं है आप जो मान रहे हैं इसी वजह से तमाम वो कार्य कर रहे हैं जो नहीं करना चाहिए सब कुछ वो कर रहे हैं जिसका परमात्मा से कोई संबंधी नहीं है जिसका धर्म से संबंधी नहीं है और फिर सवाल ही पूछते हम क्या करें हम क्या ना करें धार्मिक लोग क्या करते और क्या नहीं करते युगों से ये सवाल पूछ रहे हैं सो कृष्ण कह रहे हैं वो बात समझ लेना अरे हमारी आंख के सामने 24 घंटे का सत्य है फिर भी हम समझने को तैयार नहीं है कृष्ण आए और चले जाए हम सुनने को तैयार नहीं है एक तो बहुत मुश्किल कोई ज्ञानी पैदा होते उसमें भी परमात्मा की मेहरबानी हो तो उन्हें कुछ भेजते लेकिन मनुष्य सुनने को तैयार ही नहीं है उसको मनुष्य होने पर नाज ही नहीं है मनुष्यता को मनुष्य एक बोझ मान के जी रहा है अवसर मान के नहीं मनुष्य जन्मे का अवसर है मस्ती में रहने का जुमने का गाने का सफल होने का प्रेम करने का आनंद लेने का उत्सव करने का कमाने का शौक पालने का एक अवसर है ये बोझ नहीं है लेकिन समझना ही नहीं चाहते अपने जीवन की कीमत नहीं करते सो सवाल यह नहीं है कृष्ण कह रहे हैं अर्जुन सवाल ये नहीं है कि परमात्मा क्या करते ज्ञानी क्या करते ये बात ही गलत है बेसिक रूप से यह बात गलत है जो ज्ञानी है वो कुछ भी करता सब कुछ परमात्मा होता और जो अज्ञानी है वो कुछ भी करता सब कुछ शैतानियत होती सवाल क्या करने और क्या नहीं करने का नहीं अच्छे समझ लेना कौन कर रहा है कौन कर रहा है बस कौन कर रहा है अगर अर्जुन तू युद्ध करेगा तो ये युद्ध पाप ही है तू भागेगा तो ये भागना भी पाप ही है क्योंकि तू है थोड़ा सा समझो थोड़ा सा समझो ये गीता है है अब इसे आप जाके मस्जिद में रखेंगे तो क्या हो जाएगा भगवत गीता पे इसका कोई प्रभाव पड़ेगा जरा सोचना इसे आप जाके मंदिरालय में रखेंगे तो क्या इसकी पवित्रता खत्म हो जाएगी नहीं होगी <laughs> आप जिसे खराब वस्तु मानते या खराब किताब मानते उसे जाके मंदिर में रख देंगे तो क्या वो ठीक हो जाएगी तो जो जो है वो है फिर वो क्या कर रहा है और क्या नहीं कर रहा है कहां पर है और कहां पर नहीं है का सवाल ही नहीं है आप वो के वो ही है ट्वेंटी फोर सेवन हमारे मन की एक स्थिति है जहां पर हम है कम धार्मिक के ज्यादा धार्मिक के या अधार्मिक के ये हमारे मन की स्थिति है जैसी भी है हमारे भीतर ईर्ष्या है तो ट्वेंटी फोर सेवन है हमारे भीतर स्वार्थ तो है तो ट्वेंटी फोर सेवन है ना अब ये नहीं होता कि हमने अपने आप को उठाकर ध्यान में बिठा दिया भजन करने लगा दिया अपने आप से रोजे करवा लिए उससे आप चेंज नहीं होने वाले हैं। आप वो के वो ही हैं, और हम कर रहे हैं हम वैसे के वैसे ही हैं, हम चाहे रोजे करें चाहे कुछ करें पाप ही है और कुछ भी नहीं है क्योंकि आप जो कर रहे हैं वो आपकी मनोदशा है और वो आपकी मनोदशा ट्वेंटी फोर सेवन है लेकिन परमात्मा करता फिर वो कुछ भी करता ये मत के ना गालिब क्या करते थे है ना जुआ खेलते थे शराब पीते थे तो क्या हो जाता था उससे गालिब की गालिबियत नहीं मिट रही थी कभी ये मत कहना, बिल्कुल ध्यान से समझ लेना ये नहीं है कि कृष्ण जब महाभारत का युद्ध कर रहे हैं तो दस टका परमात्मा हो गए और फिर गीता कह रहे हैं सौ टका परमात्मा हो गए रास कर रहे हैं तीस परसेंट हो गए है ना छप्पन भोग खा रहे हैं पच्चीस परसेंट हो गए ऐसा नहीं है कृष्ण कुछ भी कर रहे हैं झूठ बोल रहे हैं छल कर रहे हैं कपट कर रहे हैं कुछ भी कर रहे हैं पूरे के पूरे परमात्मा है और अर्जुन हजार यज्ञ कर ले एक लाख शास्त्र पढ़ ले युधिष्ठिर लाख सत्य बोलने की प्रतिज्ञा ले ले हस्तीनापुर बचाने की प्रतिज्ञा ले ले उससे धर्म का कुछ भी लेना देना नहीं है वो वैसे के वैसे है आप कुछ भी कर लो सवाल सीधा और साफ है आप कर रहे हैं और आप जैसे हैं आपके जीवन में परमात्मा और आपका टोटल हर मनुष्य के जीवन में परमात्मा और उसका टोटल सौ है अगर उसके भीतर दस परमात्मा है तो नब्बे वो स्वयं है और ये उसकी चौबीस घंटे की स्थिति है ये नहीं होता कि मंदिर जाते ही परमात्मा तीस प्रतिशत हो जाएगा वो ही दस प्रतिशत रहेगा और वो ही नब्बे प्रतिशत आप रहेंगे कुछ भी कर ले तो सवाल करने नहीं करने का नहीं है सवाल इतना सा है कि जो परमात्मा दस प्रतिशत है आठ है नो है उसे सौ की तरफ कैसे ले जाए और जो हम नब्बे है उसे शून्य की तरफ कैसे ले जाए बस फिर कुछ भी करें कुछ भी करें और एक दिन ऐसा हो जाए सौ परमात्मा आ जाए फिर कौन पूछने वाला है फिर बहस भी करते कृष्ण करे तो रास और हम करे तो बकवास बिल्कुल बकवास बिल्कुल बकवास सोला आने बकवास सो so, आप क्या करते कौन क्या करता और हम क्या करे ये सवाल ही गलत है कौन कर रहा है बस कौन कर रहा है ये बात अच्छे से समझ लेना और जब तक आप चेंज नहीं होंगे कुछ भी कर लें, कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है रत्ती भर फरक पड़ने वाला नहीं है कोई भी पत्थर कोई भी पत्थर मंदिर मस्जिद जाके कोई नूर नहीं हो जाता और कोई कोई नूर कहीं पे भी पड़ा हो पत्थर नहीं हो जाता कुछ भी कर लो कौन कर रहा है आज के बाद ये बात समझ लेना क्या करें ये बात ही गलत है अच्छा अच्छा करें पुण्य करें धर्म करे सब गलत है अरे प्रेम भी करेंगे तो आप करेंगे ना सभी जने कर रहे हैं मिल क्या रहा है क्योंकि प्रेम आप करेंगे ना आपके जैसा ही प्रेम होगा समझ लेना इस बात को दया भी आप ही करेंगे ना आपके जैसी दया होगी जिस पे दया करेंगे वो बर्बाद और सभी एक दूसरे पे दया कर रहे हैं सभी एक दूसरे से प्रेम कर रहे हैं अरे लेकिन आप ही कर रहे हैं ना बात खत्म हो गई सवाल है क्या कर रहे हैं का नहीं कौन कर रहा है सवाल यह है कि आप कर रहे हैं कि परमात्मा करवा रहा है सवाल यह है कि आप में कितनी आत्मा है और कितने मन बुद्धि अहंकार है मन बुद्धि अहंकार कमजोर है आपका हर काम ज्यादा अच्छा ज्यादा अच्छा और ज्यादा अच्छा है चाहे कुछ कर रहे हैं कबीर चोरी भी कर लें कृष्ण चोरी भी कर ले तो परमात्मा कम नहीं होता कृष्ण एक नहीं एक हजार महाभारत करवा ले तो परमात्मा कम नहीं होता और अर्जुन जैसे कितनी ही बार ऐसी ज्ञान की बातें कर ले उससे परमात्मा प्रकट नहीं होता है इस सीधी सी बात को आप समझ लेना अतः एक शायर की बड़ी खूबसूरत शायरी है कमाल कमाल के शायर होते कमाल कमाल के सत्य कहते और कमाल तरीके से कहते कि जब और कुछ मौजूद ही नहीं परमात्मा के सिवा जब और कुछ मौजूद ही नहीं कहीं परमात्मा के सिवा तो फिर ये हंगामा है खुदा क्या है हैं? जब कुछ मौजूद ही नहीं धर्म के सिवा तो ये सवाल क्या है? हम धार्मिक कैसे हो है? क्या अच्छा क्या बुरा अरे परमात्मा ही है परमात्मा ही है आप कर रहे हैं बस परमात्मा गायब हो रहा है आप चाह रहे हैं परमात्मा गायब हो रहा है आप स्वयं कुछ बनने की कोशिश कर रहे हैं परमात्मा गायब हो रहा है आप अच्छा करने की कोशिश कर रहे हैं तो भी परमात्मा गायब हो रहा है किसी अच्छे व्यक्ति को जो वाकई अच्छा है उसे अच्छा करने की जरूरत नहीं है उससे बुरा होगा ही नहीं समझ लेना इस बात को अब हम बुरे हैं दिखाने के लिए इज्जत के लिए या खुद ही तय कर लेते आज के बाद सब अच्छा अच्छा करेंगे और बिगड़ बिगड़ जाता आप करेंगे ना आप मत करो आप हो जाओ आप करो मत आप धर्म करो मत आप धार्मिक हो जाओ आप परमात्मा को पूजो मत उससे कुछ मांगो मत आप परमात्मा हो जाओ उसके बगैर कोई छुटकारा नहीं है और ये जितनी कोशिशें हैं वो उसमें बाधा है सो so, जब कुछ मौजूद ही नहीं उसके अलावा तो ये हंगामा है खुदा क्या है ये जो हंगामा कर रखा है ना वही तो प्रॉब्लम है अष्टावक्र जनक से यही तो कह रहे हैं कि तेरे में कोई गड़बड़ नहीं है लेकिन ये जो दिन पर धर्म का अनुष्ठान करता है ना इसी से सारी गड़बड़ तेरे में पैदा हुई है गड़बड़ है नहीं हटा दे उसको जो बचा हुआ है सब परमात्मा है कृष्ण कृष्ण क्रिश्न का बचपन कैसा गुजरा कृष्ण राधा का प्यार क्या था कृष्ण ने कितने विवाह किए कृष्ण की चाइल्ड साइकोलॉजी क्या थी कृष्ण ने ग्वाले से द्वारका धीश तक का सफर कैसे तय किया ये यादव स्थली क्या है इन तमाम सवालों के जवाब जानिए द्वारा लिखित किताब मैं कृष्ण हूँ ये किताब कृष्ण के संपूर्ण जीवन पर रिसर्च करने के बाद दीप त्रिवेदी द्वारा कुछ इस साइकोलॉजिकल अंदाज में सिलसिलेवार रूप से लिखी गई है कि जिसे पढ़ते पढ़ते आपका जीवन भी बदलता चला जाएगा मैं कृष्ण हूँ ये किताब अंग्रेजी हिंदी मराठी तथा गुजराती में एक साथ आत्मन ई -e साथ ही सभी प्रमुख ई कॉमर्स साइट्स पर भी उपलब्ध है दीप त्रिवेदी की मनुष्य के जीवन और उसकी साइकोलॉजी पर एक गहरी पकड़ है मनुष्य जीवन के विभिन्न पहलुओं पर सर्वाधिक चर्चा करने का रिकॉर्ड भी उन्हीं के नाम पर है मनुष्य जीवन का ऐसा कोई पहलू नहीं जिस पर उन्होंने खुलकर चर्चा ना की हो जैसे कि पाथ ऑफ लाइफ पर्सनालिटी, कॉम्प्लेक्स गिल्ट लव एक्सपेक्टेशन पार्शियलिटी Acceptance, fear, hypocrisy, creativity, wealth, who is God, concentration, confusion, power of transformation, joy and success, mind and brain, day sleep, natural intelligence, change your future, ego, non violence, freedom. Tatha Deep Talks Tao Te Ching ke Antargat, Deep Trivedi Dwara Mashur, Chinese philosopher. से के महान सूत्रों पर चर्चा परिचय समय मन सफलता संकट धर्म राजनीति और दीप टॉक्स भगवद गीता के अंतर्गत जीवन की किसी भी समस्या से निपटने के लिए दीप त्रिवेदी द्वारा भगवद गीता के संपूर्ण 18 अध्याय पर चर्चा आप ये तमाम डीवीडीज और सीडी सुनकर अपना और अपने परिवार का जीवन बदल सकते हैं ये तमाम और आत्मन तथा अन्य सभी पर उपलब्ध हैं। हर बच्चे में सफल और महान बनने की संभावना छिपी होती है सवाल बच्चे द्वारा अपनी प्रतिभा को निखारने का तथा सही परवरिश पाने का ही होता है दीप त्रिवेदी द्वारा लिखित रोचक ग्राफिक बुक्स पढ़िए द स्टोरी ऑफ थॉमस एडिसन अनपढ़ के महान वैज्ञानिक बनने की दास्तान नॉट टू ग्रेटनेस स्टीव से स्टीव जॉब्स बनने की कहानी टू डों चाइल्ड साइकोलॉजी समझने हेतु शेर के बच्चे की कहानी ना सिर्फ बच्चों बल्कि हर माता पिता व टीचर के लिए भी आवश्यक ग्राफिक बुक्स हिंदी तथा अंग्रेजी में आत्वन ई स्टोर तथा अन्य सभी ई कॉमर्स साइट्स पर उपलब्ध